इस प्रकाश उत्सव पर इस बार कुछ ऐसे दीप जलाएं, हर गली हर चौक चौराहा अब हर मकान रोशन नजर आए। मिटे दिलों से अज्ञानता का अंधेरा, जुबां पर मोहब्बत भाईचारे का पैगाम नजर आए। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। दीपावली के पावन पर्व पर पूरा देश जगमगा रहा है। हर ओर खुशियों के बीच रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर भारतीय संस्कृति की अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में हम आपको दीपोत्सव पर माँ लक्ष्मी के पूजन और उनको लगाए जाने वाले भोग और प्रसाद के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आपके पूरे परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। दरअसल दीपावली का भारतीय संस्कृति में एक खास महत्व है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं और इस दौरान खील बताशे का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि दीपावली की पूजा को खील बताशों के बिना अधूरा माना गया है और पूजा करते समय इनका प्रयोग अनिवार्य माना गया है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। चलिए इन कारणों पर नजर डाल लेते हैं। पहला कारण, खील धान से बनी होती है और धान को सबसे पवित्र अनाज माना गया है, इसलिए माँ की पूजा करते समय उन्हें खील जरूर चढ़ाई जाती है। वहीं बताशों का रंग सफ़ेद होता है, जो कि पवित्रता को दर्शाता है। साथ ही एक वजह यह भी है कि दीपावली से पहले ही धान यानी चावल की फसल भी तैयार हो जाती है और चावल की फसल का पहला भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और खील भी चावल से ही बनती है, जिसके चलते ही इसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनसे धन और वैभव की प्राप्ति की कामना की जाती है और हमारे शास्त्रों में धन वैभव का दाता शुक्र ग्रह को माना गया है। ऐसे में धान का शुक्र ग्रह से जुड़ा होना खील की अहमियत को बढ़ा देता है, इसलिए शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम लक्ष्मी को खील चढ़ाते हैं, साथ में बताशे चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही सफ़ेद और मीठी सामग्री का नाता भी शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रतीक के तौर पर बताशे को दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी शुक्र ग्रह को अर्पित किया जाता है, ताकि वो प्रसन्न हो जाएं, ताकि उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। ये तो बात खील बताशे के भोग की हो गई। इसके साथ ही दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त पर पूजन भी एक खास महत्व रखता है। दरअसल पूजा करने के लिए आप सबसे पहले अपने पूजा घर में एक रंगोली बना दें, फिर इस रंगोली के पास ही एक चौकी रखें और चौकी पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। आप चाहें तो कुबेर भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत करते हुए आप सबसे पहले दीपक जला दें और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। गणेश जी को एक लाल रंग का फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद आप चौकी पर फल रखें और खील बताशों का भोग भी लगाएं। इसके बाद अब अपनी पूजा शुरू करें और पूजा करते समय आप माँ से धन प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद आप माँ की आरती ज़रूर करें और आरती पूरी होने के बाद माँ को चढ़ाए गए खीर और बताशे प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। इसके अलावा आप थोड़े से खील और बताशे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहेगी। अंत में आप अपने घर को दियों की रोशनी से जगमगा दें और घर के हर कोने में दीपक रख दें। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।